कानून कह रहा है आर्थिक सहायता देने का, वो हमारा हक है, वो हमको मिलना चाहिए। लेकिन इस मामले में ये काम केवल 10 मिनट का काम है अगर प्रशासन सीरियसली इस पे काम करना चाहे तो। लेकिन प्रशासन ने पीछे 72 घंटों से इस पे काम करा, आज तक भी कोई काम नहीं हुआ है। अभी मेरी तहसीलदार से बात कर रहे हैं, तो अब हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि हम 5 बजे तक इंतजार करेंगे, और 5 बजे तक इंतजार करने के बाद अगर प्रशासन कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लेता है तो डेड बॉडी हम नहीं लेंगे, ना अंतिम संस्कार करेंगे। और सोमवार को सोमवार को 10 बजे हम पूरे हरियाणा में अपने साथियों को संदेश दिया है सोशल मीडिया के माध्यम से, हम आगे भी संदेश देंगे। हजारों की संख्या में डेड बॉडीज को मुख्यमंत्री आवास करनाल के सामने रखेंगे, और जो उस टाइम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होगी अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो यहाँ का कैथल का जो प्रशासन है इस मामले को खराब करने के लिए जिम्मेवार होगी। मतलब अगर पिछले एक सप्ताह से वाल्मीकि समुदाय के 2 युवकों का आरोप ये लगाया कि ठेकेदार द्वारा हत्या की गई है, परिजनों का ये आरोप है। लेकिन पिछले एक हफ्ता से उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। लेकिन हमारे साथ इस समय मौजूद है रजत कंसल जी, एडवोकेट हैं, जो तमाम जानकारी देंगे क्या कुछ बाधा चल रही है और प्रशासन से बात चल रही है तो किस तरह से बात चल रही है, और अब तक अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया गया, इस तमाम विषय पर हम बात करेंगे। रजत कंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं। रजत जी, करीब एक सप्ताह बीत चुका है और दोनों मृतकों का अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ, कहाँ अड़चन आ रही है थी? देखिए, इस मामले में जो मृतक बच्चे हैं 2, उनके शव अभी भी मोर्चरी में रखे हुए हैं, और पुलिस ने 2 FIR भी दर्ज की हुई हैं। लेकिन इस मामले में जो हमारी एक संयुक्त संघर्ष समिति ने कुछ मांगे तैयार की थी, और उसकी कॉपी DSP और तहसीलदार साहब को हमने मुहैया कराई थी। उसमें हमारी मुख्य मांग ये थी कि जो SC ST एक्ट के तहत जो सहायता मिलती है पीड़ित परिवार को, वो सहायता दी जाए। दूसरा, हमारे समाज के लोगों के खिलाफ जो एक रोड जाम का झूठा मुकदमा दर्ज किया था वो मुकदमा खारिज किया जाए, सभी आरोपियों को तुरंत अरेस्ट किया जाए, और इस तरह की कुछ मांगे थी। लेकिन हम पिछले 72 घंटों से प्रशासन के संपर्क में है, और कुल मिलाकर ये निकल कर आया है कि प्रशासन 2 युवकों की हत्या और उनके शव मोर्चरी में पड़े होने के बावजूद भी इस मामले को बहुत हल्के में ले रहा है, और जानबूझकर इस मामले में गंभीरता नहीं दिखा रहा है। शायद इसलिए है क्योंकि प्रशासन हमको दलित समझ के कमज़ोर समझ रहा है। और अंतिम संस्कार क्यों नहीं हो रहा है? अंतिम संस्कार इसलिए नहीं हो रहा है कि प्रशासन हमारी मांगें पूरी नहीं कर रहा है। जो कंपनसेशन वाला मामला है उसमें कानून खुद कहता है कि इस मामले में FIR रजिस्टर होते ही, पोस्टमार्टम होते ही, विद इन आवर्स जो कंपनसेशन है इनके अकाउंट में पहुंच जाना चाहिए। प्रशासन का आरोप था कि हमारे एक बंदे का अकाउंट नहीं खुला हुआ, वो अकाउंट खुलवा कर भी हम दे चुके हैं, सारा पेपर वर्क हम पूरा कर चुके हैं, उसके बावजूद भी कंपनसेशन ना हमारे अकाउंट में आना, ये बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण है, और प्रशासन की जो नीयत है इस मामले में सवालों के घेरे में है। पिछले 4 दिन से लगातार प्रशासन से आप बातचीत कर रहे हैं, तो बात क्यों नहीं बन पा रही है? अड़चन कहाँ आ रही है? यहाँ पर भी क्यों रोक ऐसी लग रही है कि प्रशासन से पूरी तरह से बात आपकी बन नहीं पा रही, या प्रशासन आपकी बात नहीं मान रहा है? कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि प्रशासन हमारी बात नहीं मान रहा है। हम SP से बात करते हैं वो DSP पे टरकाता है, DSP से बात करते हैं DSP तहसीलदार पे टरकाता है, और तहसीलदार से बात करें वो नायब तहसीलदार पे, और फिर नायब तहसीलदार जो है वो कहता है डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर से बात करो। हम सभी अधिकारियों से बात कर करके तंग आ चुके हैं, लेकिन कोई भी इस मामले को सिरे चढ़ाने के सीरियसली मूड में नहीं है प्रशासन भी। बताइए विधायक कि जो मुआवजे की मांग आप लोगों ने की थी, प्रशासन ने उस मुआवजे की मांग को ही मान लिया गया है? सर, ऐसे जबानी जमा खर्च में मान लिया है। अगर मुआवजे की बात मान ली थी तो मुआवजा अकाउंट में हमारे आ जाना चाहिए था। जब तक फिजिकल कोई कंक्रीट एक्शन नहीं होता, केवल जमानी जमा खर्च में हम प्रशासन मीडिया को अगर ये कह रहा है कि हमने मान लिया है, तो ये मानना कोई मानना नहीं है जब तक हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आ जाता। सुनने में ये भी आ रहा था कि एक युवक जो मृत हुए है उसमें एक का बैंक अकाउंट भी जो है नहीं मिला। बैंक अकाउंट उसकी पत्नी का जो बैंक अकाउंट था वो नहीं था। गरीब लोगों का ऐसा ही काम होता है, इस तरह की जरूरी औपचारिकताएं पूरे टाइम पे नहीं हो पाती, लेकिन हमने फिर भी त्वरित एक्शन लेते हुए उसका बैंक अकाउंट खुलवा के उसके दस्तावेज प्रशासन को सौंप दिए हैं।
पुलिस द्वारा ये भी कहना है कि जो मुख्य आरोपी थे उनको हमने पकड़ भी लिया है, लेकिन फिर भी FIR भी दर्ज कर लिया है, वो गिरफ्तार भी कर लिए हैं, लेकिन आप लोग जो है 11 अन्य के नाम भी बता दे रहे हो, फिर 11 के जो नाम है वो आप क्यों नहीं पुलिस को बता दे ताकि उन पर भी कार्रवाई हो सके। देखिए, इस मामले में जो घटना के बारे में, जो घटना पर मौके पर लोग मौजूद थे, दो लोग मौजूद थे, दोनों के दोनों मर चुके हैं। दूसरी बात, इस मामले में 12-13 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, 12-13 लोगों की मौजूदगी सामने आ रही है, घटना में संलिप्तता उनकी सामने आ रही है, और कोई भी और बंदा मौके पे नहीं था जो उनके नाम जानता हूँ। अब ये सारा का सारा मामला पुलिस तफ्तीश के ऊपर डिपेंड करता है। जो दो बंदे पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं उनको इंटरोगेट करे, स्ट्रिक्टली इंटरोगेट करे, और वो लोग बताएंगे कि उनमें कौन कौन, ये सारा पुलिस की नेगलिजेंसी है, पुलिस की ढीलपन है कि उन लोगों के नाम सामने नहीं आए। हम घर पर बैठकर किसी के नाम नहीं रख सकते कि वो बंदे मौजूद थे, और ना ही वो कानून में मान्य है। ये पुलिस की तफ्तीश में, इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा कि और कौन कौन लोग मौजूद थे। ऐसे आपकी क्या मुख्य मांग है कि जिसे आप प्रशासन को आप वो मांग बता सके ताकि प्रशासन आपकी बात मान ले और जो दोनों मृतक हैं उनका अंतिम संस्कार जो है उनके शवों का अंतिम संस्कार हो सके, ऐसे क्या मुख्य मांग आपकी? देखिए, कोई भी परिजन अपने परिवार के सदस्यों की डेड बॉडीज़ की इतनी बुरी हालत करके खुश नहीं होता। सभी चाहते हैं कि किसी भी घटना में मौत हुई है तो तुरंत उसको हम सुपुर्दे खाक करें, लेकिन यहाँ पर डेड बॉडी 6 दिन से रखी है तो कोई ना कोई मजबूरी होंगी तभी रखी हुई है। हमने प्रशासन से 2 मुख्य मांगे मानी थी कि हमारे जो इमीडिएट रिलीफ है वो आप परिवार की हालत देखिए, कच्चे घर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, विडोज़ हैं, उनको आर्थिक सहायता, जब कानून कह रहा है आर्थिक सहायता देने का, वो हमारा हक है, वो हमको मिलना चाहिए। लेकिन इस मामले में ये काम केवल 10 मिनट का काम है अगर प्रशासन सीरियसली इस पे काम करना चाहे तो, लेकिन प्रशासन ने पीछे 72 घंटों से इस पे काम करा, आज तक भी कोई काम नहीं हुआ है। अभी मेरी तहसीलदार से बात हुई है, बोला जी लगे हुए हैं, मतलब कोई इच्छा शक्ति नहीं है प्रशासन की इस मामले में एक्शन लेने की। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रशासन क्या करा। लेकिन इस बारे में फिर हमारे कमेटी के अध्यक्ष हैं, हम लोगों ने एक आपात बैठक की है प्रशासन के रवैये के बारे में, और वो आपात बैठक इसलिए करनी पड़ी, हमने जो प्रोग्रेस जानने के लिए अफसरों के पास फ़ोन किए, मैंने SP के पास भी किया, 2 DSP के पास फ़ोन किए, नायब तहसीलदार के पास फ़ोन किए, तहसीलदार के पास फ़ोन किए, सब एक दूसरे के ऊपर बात डाल रहे हैं, सब टरकाऊ बात कर रहे हैं। तो अब हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि हम 5 बजे तक इंतज़ार करेंगे, और 5 बजे तक इंतज़ार करने के बाद अगर प्रशासन कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लेता है तो डेड बॉडी हम नहीं लेंगे, ना अंतिम संस्कार करेंगे। और सोमवार को 10 बजे हम पूरे हरियाणा में अपने साथियों को संदेश दिया है सोशल मीडिया के माध्यम से, हम आगे भी संदेश देंगे, हजारों की संख्या में डेड बॉडीज़ को मुख्यमंत्री आवास करनाल के सामने रखेंगे, और जो उस टाइम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होगी अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो यहाँ का जो प्रशासन है और हरियाणा सरकार इस मामले के CID के माध्यम से पूरे टच में है, वो इस मामले को ख़राब करने के लिए जिम्मेवार होगी। मतलब अगर प्रशासन आपकी बात नहीं मानता, मुआवजा जिस तरह से कहा जा रहा है, अगर प्रशासन उसको जल्द से जल्द नहीं देता है तो सोमवार को आप करनाल में मुख्यमंत्री के आवास के बाहर डेड बॉडी को रखकर वहाँ प्रदर्शन करेंगे। सर बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पर ये जो एडवोकेट रजत कंसल है उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि हमारी आपातकाल बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया अगर दोनों युवकों को जल्द से जल्द जो मुख्य मांगे उनको मुख्य मांगे प्रशासन नहीं मानता तो सोमवार को करनाल में मुख्यमंत्री के आवास के बाहर दोनों शवों को रखकर जो पूरे प्रदेश में जो है वहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा जिसका जिम्मेवार कैथल का प्रशासन होगा। लेकिन देखना यह है कि अब कैथल का प्रशासन क्या कुछ रुख अपनाता है और उन मांगों को लेकर कितनी जल्दी कार्रवाई करता है, ये देखने की बात रहेगी। फिलहाल कैथल बैकिंग टीवी में फिलहाल खबरों के सिलसिले में इतना ही, आप देखते रहे कैथल बैकिंग टीवी।